विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा कर्ज माफी के कबूलनामे ने कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जेल भेजने की बात करने वाले मंत्री कमल पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। देखें ये खास रिपोर्ट। देखिए, वो विधानसभा में गलत जानकारी भेजी गई है, उसकी गलत जानकारी भेजी गई है और जो भी है वो उसकी जानकारी अधिकारियों के स्तर पर गलत भेजी गई है और उसमें जांच करके उसको ठीक किया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, शिवराज सरकार अपनी ही बात से पलट गई है। विधानसभा में अपने ही कृषि मंत्री की ओर से दी गई जानकारी को भी वो अब गलत बता रही है। शिवराज सरकार के मंत्री इसका सारा दोष अब अधिकारियों के मथे मढ़ने लगे हैं, जिस पर कांग्रेस भड़क गई है। पूर्व मंत्री और एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सदन में कृषि मंत्री के जवाब ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के असली चेहरे को सामने ला दिया है। इसके बाद भी इनके नेता झूठ बोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश भर में किसानों तक कर्ज माफी की हकीकत पहुंचाने के लिए जन जागरण चलाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने ये कर्जा माफ किया, मैंने पैसे डाले। एक मंत्री कहते हैं गलत उत्तर है, कमलनाथ के अधिकारियों ने ये उत्तर दे दिया। एक मंत्री अलग और जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि कमल पटेल कृषि मंत्री होते हुए जवाब उनकी सिग्नेचर से आया है। सब अलग अलग बयान दे रहे हैं, जैसे एक झूठ दूसरे झूठ के ऊपर टिकता नहीं है। इनका झूठ अपने आप उजागर हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हुआ। मैं मानता हूं कि ये कर्ज माफी इनको लागू रखनी चाहिए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में किसान जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाए। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस झूठ के खिलाफ हरदा में जाकर कृषि मंत्री के खिलाफ एफआईआर कराएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने चूंकि संविधान की शपथ ली, उसके बाद जनता को गुमराह किया। प्रश्न का जो उत्तर आया है और उनके जो बयान है, दोनों अलग अलग है। इस नाते हमारी सरकार की छवि को खराब करने का उन पे हमारा आरोप है। जिन धाराओं में भी उन पे मुकदमा होगा, हरदा में जा उनकी विधानसभा उन पर एफआईआर लिखाई जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नए कृषि विधेयक को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रही है। ये अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। जनता पार्टी उद्योगपतियों को, जैसा मैंने उस दिन कहा था कि आप सर्च करो कि देश के सारे साइलो किसके पास हैं, तो अडानी जी का नाम सबसे प्रथम आएगा। आप सर्च करो कि जितने पोर्ट हैं पूरे देश के, उसके 80% पोर्ट किसके पास हैं, तो अडानी जी का नाम आएगा। सर्च करो। और आप तीसरी बात, इसी तरीके से ऐसे उद्योगपतियों को मंडी देना चाहते हैं, और मंडी उस मंडी को जो उसकी इनकम से कहीं कहीं किसान का भला होता है, गांव का भला होता है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। मंडी से स्टॉक लिमिट घटा के फिर जब फसल आएगी, जब मार्केट में उस फसल को छोड़ना, यही व्यापारी जो स्टॉक अनलिमिटेड करेंगे, फिर किसानों की जो सपोर्ट प्राइस वो ना मिले, इसका षड्यंत्र रचना। और पूरे देश में इस तरीके का माया जाल जिससे कृषि उद्योगपतियों के हाथों में चला जाए, नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों के माध्यम से पूरा अपना कब्जा जमा ले, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आपको इसका एक पूरा मेमोरेंडम तो मिल ही रहा है। 24 तारीख को यानी कल इन सब मुद्दों पर, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों पर, वो चाहे किसान कर्ज खा गए ये आगे का ये शिवराज सिंह चौहान, वो चाहे किसानों की आत्महत्या पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो, या ये एग्रीकल्चर को लेकर तीनों एक ताए महत्वपूर्ण, ये ऐसे सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कल पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों के साथ मिलकर जन जागृति के का एक पार्ट, एक अभियान बताएंगे। दूसरा 28 9 को
राज्यपाल जी को भोपाल में कांग्रेस पार्टी और किसान ज्ञापन देंगे इसके विरोध में, इस एक्ट को समाप्त करने के लिए। 1 तारीख से 8 तारीख तक सभी जिला मुख्यालयों पर किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे एक्ट को समाप्त किया जाए। और 10 तारीख को अगले महीने की भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को बुलाकर राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा इस एक्ट को समाप्त करने। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें, ये सारे भाव, ये सारी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार, शिवराज सिंह जी हो या नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ किसान एकजुट है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ। कुल मिलाकर देश भर में नए कृषि बिल को लेकर उपजे गुस्से और विधानसभा में शिवराज सरकार के कबूलनामे ने कांग्रेस के हाथ बड़ा मुद्दा थमा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस अब शिवराज सरकार को प्रदेश भर में किसान विरोधी साबित करने में जुट गई है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।